ओके, मैं अभी बंदर देवा के पास हूँ, करसिंगसा शायद। यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गेट में तो पास चेक नहीं हुआ लेकिन, और गेट में हालत बहुत ख़राब है। हालत ख़राब है मतलब पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सॉरी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है, क्या सीनरी होता है। चलिए, बाइक तो पूरा स्किड मार रहा है। देखते हैं, पूरा रास्ता ही खराब है, फिर भी जल्दी ही काम हो रहा है। कब तक होता है देखते हैं, जल्दी हो जाने से ठीक है, बहुत टाइम बच जाएगा। ये जो पहाड़ी पूरा कटिंग हो रहा है, अब शायद मैं यूपी होके जाऊँ कि कहाँ से जाऊँ, भी सोच रहा हूँ। के जाने में ही बेहतरी होगा क्या, शायद देखते हैं क्या होता है। दिल था नाहरलगुन होके जाने का लेकिन शायद नहीं होगा। क्लच को थोड़ा सा ढीला करना होगा भाई, मतलब एडजस्टमेंट को, लीवर एडजस्टमेंट।
मतलब और एक घंटा, ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 82 है, मतलब कि और 20 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर हुआ है, लेकिन नहीं 20-22 नहीं, ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि मैं यूपी होके जाने में तो बहुत लंबाई पड़ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। धूल की वजह से गला बैठ गया है, क्यों नहीं बैठेगा, मैं भी तो बैठा ही हूँ बाइक पे, गला भी बैठ गया है। सभी मेरे को ही नोटिस कर रहे हैं, हेलमेट में कहाँ लगा रखा है भाई, ये इतना बड़का चीज क्या लगा रखा है, दोनों तरफ से वायर ही वायर, केबल्स ही केबल्स, बाइक भी फुल्ली लोडेड। बहुत कष्ट होता है भाई ये रास्ते में, गलती किया, वहीं से जाना चाहिए था, क्या सोच के आया पता नहीं, एटलीस्ट उसका सिनारी भी तो अच्छे से आना था, सिनारी नहीं सिनरी। यहाँ पर तो जितना बाइक अभी तक गंदा हुआ था कल से लेके बंदरदेवा पहुँचने तक, उससे ज़्यादा गंदा होगा अभी, कल परसों वॉशिंग होगा, फिर इंजन ऑयल चेंज होगा, ठीक है चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। वही करना पड़ेगा, दोईमुख होके यूपी निकल जाऊँगा बागेती नाली से, मेनली जो गुमतो का एरिया वही रहेगा रिकॉर्डिंग के लिए। साला अच्छा खासा फोल्डिंग हो रहा है, कमर दर्द हो रहा था इसीलिए वहाँ से जाने से ठीक था यूपीआर से, नहीं यूपीआर होके जाऊँगा, मतलब घूमते होके, लेकिन गधे के जैसा इधर आ गया, यानी बस रास्ता देखना था एक्चुअली मेरे को कितना बना है, अबे बहुत जोर का लगा झटका, स्लिप कर रहा आगे का चक्का, ए बी एस होने की वजह से वही एक फ़ायदा है, स्किड होने नहीं देता है, लेकिन कभी कभार जब ग्रिप के बात आता है ये सलाह छोड़ देता है, जब ये छोड़ देता है ना तो ग्रिप नहीं पकड़ता है, वो सलाह ट्रैक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम करता है, यहाँ से बस क्यों जा रहे भाई, ये भगवान ये सड़क है कि क्या है,
ये तो सड़क हादसा है। सीधा आके राइट मुड़ना था, मैं अब इधर से जाके लेफ्ट मुड़ रहा हूँ। चलो तो मुख तिनाली, अभी यहाँ से राइट। आ गया खुला कैंप, खुला कैंप या खुला कैंप जो भी है। यहाँ से राइट जाने से सगाली 66085, लेफ्ट जाने से यूपीआर 6 किलोमीटर, नाहरलगुन 15, ईटानगर 23। तो हम चलेंगे अब ईटानगर। जगह की वजह से क्या गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा पता ही नहीं चलता। थोड़ा सफोकेट कर रहा है जैसा लग रहा है। एक्चुअल मैं प्लेन एरिया से आ रहा हूँ ना, तो हिली एरिया में अचानक आते हैं इसको सफोकेशन हो रहा है, क्योंकि सेंसर सब ये खुलना बाकी है इसका। तो फ्यूल इंजेक्शन है ना, तो सेंसर सब उसको सेंस करता है ऑक्सीजन कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से वो सप्लाई करेगा। पानी मारेगा ये गाड़ी। चलो मेंटल हॉस्पिटल 100 मीटर्स। क्लच बहुत हार्ड चल रहा है। Thank you.
ये है फ्लैश फ्लड एरिया। यहाँ पे मैं एक बार मरते मरते बचा था, अचानक बारिश हो गई, पूरा भयंकर मतलब बारिश। बाइकर सिर्फ मैं ही था सड़क पे और बाकी सब एसयूवीज। यहाँ से पूरा पत्थर आया, मैं नीचे से आ रहा था यहाँ पे, ऊपर से आ रहा है, मेरे को लगा मैं निकल जाऊँगा, लेकिन पहुँचते पहुँचते जो फ्रंट व्हील है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर चढ़ गया था, जो भी मलबा आ रहा था नीचे उसके ऊपर चढ़ गया, फिर एक्सेलरेट करते हुए उसके ऊपर से मैं निकल गया। पूरा ज़ोरदार बारिश, ये वाला जो यहाँ पे स्लोपिंग है सड़क, लेकिन पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 इंच पानी था पूरा एरिया इसी स्लोपिंग में ही, क्योंकि जब मैं चढ़ा रहा था तो टायर मेरे पीछे, एक स्कॉर्पियो आ रहा था, उसका तो टायर पूरा डूब गया था, मतलब एक हिस्सा। और 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ये है स्टेशन यहाँ का, ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, ये रहा, लेकिन स्टेशन है तो स्टेशन का जो सड़क है महाबकवास। अरे यहाँ पे जब बारिश होता है ना तब देखना रास्ता कैसा होता है, स्लश। अरे ये गाय को क्या हुआ, सोई हुई है, पूरा स्लश, भयंकर स्लश, खस खस। क्या पहाड़ है, क्या नज़ारा है, बिल्कुल करारा है। यह है एक लैंडस्लाइड जोन, भयंकर, आए दिन मतलब बारिश होने से लैंडस्लाइड होते रहता है यहाँ पे। ये जो वॉल लगाया है किसी काम का नहीं है, बाहर ही आ जाता है। और ये जो आगे मिट्टी दिख रही है पहाड़, जो यही मेन लैंडस्लाइड जोन है। कुछ महीनों पहले यहाँ पे अचानक सुबह को 8:15 के आसपास लैंडस्लाइड हो गया था बारिश की वजह से। एक लड़का बाइक लेके जा रहा था, वहीं पे दब गया, इंस्टेंट डेथ। पता ही नहीं चलता है क्योंकि ज़मीन बहुत लूज है ना यहाँ का, बारिश के पानी से कौन सा ज़मीन, कौन सा एरिया मतलब ढीला पड़ जाते पता ही नहीं चलता है। थोड़ा मरम्मत किया है क्या शायद, कल जाते वक्त भी ठीक ही था, बारिश में मैं आराम से निकल पा रहा था बाइक को। मरम्मत किया है तो काफ़ी ठीक है। बढ़िया। ये एक पोर्शन था जो कि इसमें बड़ा सा गड्ढा था, एक कवरअप हो गया, बढ़िया है। बस अभी के फाइनल चढ़ाई, ईटानगर का मेन चढ़ाई। बहुत जोर की प्यास लग रही है आप, लेकिन रुकना नहीं है मुझे, चलते जाना है। ये है शॉर्ट फिल्म, अच्छा बाइक है परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन लुक्स पसंद नहीं है।
अरे सर रेट्रो लुक है, कैफे कैफे लुक है, कैफे रेसर जो होता है ना, वो समझ में नहीं आता मेरे को। यह माने निकाला था SZR कुछ समथिंग है सर, रेट्रो लुक वाला है, समझ में नहीं आया। अब एक निकाला TVS रोनिन, वो भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सर दर्द हो रहा है अभी, हेड मोस्ट स्ट्रेच है। यहाँ पे तोड़ दिया अंजीवा का पीछे वाला, यानी कि यहाँ पे काम चल, सड़क बनने वाला है। काफ़ी हार्ड तो नहीं बोलूँगा, हाँ हार्ड ही लग रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मेरे को क्लच के लिए। केबल ठीक से एडजस्टमेंट नहीं है, गर्दन दर्द हो रहा है लोगों, और साथ में सर भी दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से। एक्चुअली पानी वानी कुछ भी नहीं पिया, अब तो दबाऊंगा उतना भी नहीं अपनी लिमिट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तो कर लूँगा लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा। ईटानगर 6 किलोमीटर, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होते रहता है, लैंडस्लाइड जोन में हुआ भी था कल परसों शायद। कमेंट्स में बताइएगा कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है मेरा मोटो ब्लॉगिंग, कहीं पे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताइएगा। ऑलवेज़ वेलकम फॉर एनी आइडियाज़।
ज़्यादा लीन होने में डर लगता है क्योंकि अब मैच्योर हो गया हूँ ना, ये रेस ट्रैक तो है नहीं। बस एड्रेनलिन है, अबे चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ग्लास चढ़ा देने से मतलब वाइजर को अगर चढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा हवा आता है, लेकिन आंखों में धूल आ जाता है। बस अभी और 4 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर बाकी है। टाइम भी काफ़ी हो गया होगा, 11:30। ठंडा पानी ना नारियल पानी, ना नींबू पानी, सिर्फ ठंडा पानी। कोई अगर पीछे लगा नहीं पानी ठंडा पानी कोई चिल्लाए तो मजा आ गया। कानों से सुनकर ही सुकून लेने की कोशिश करूँगा। अभी ये महापुरुष क्या कर रहे हैं भाई, हल जोत रहे क्या, मतलब खेत जोत रहे क्या? खेला व्यू तो बढ़िया आ रहा होगा, बताइएगा कैसा आ रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन से। कल तो अंडरपास से गया था तो आज साइड से जाता हूँ। आदमी सभी कहाँ सड़क के बीच खड़ा होता है। ये है बैंक की नाली, अंडरपास इसके नीचे है। मैं जो अभी जहाँ पे चला रहा हूँ उसके ठीक नीचे है अंडरपास। अब इस गाड़ी को देखना, ये है नीचे अंडरपास। ये रहा हमारा विशाल एम आर्ट, ये जो अंडरपास का सड़क राइट साइड नीचे आ घुसना पड़ता है। और 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट या 4 किलोमीटर। कहाँ कहाँ से घुस होता है बाबा, पता ही नहीं उसको कहाँ से जाना। तक का स्पीड पकड़ रहा हूँ अभी मैक्सिमम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड जा रही है। एक्चुअली इसका रश बहुत है ना, पल्सर का इंजन जो है वो रश है, रश इंजन, रश आते हैं, रश मतलब जो पावर आता है सर्ज, एक रश अचानक आता है। वो अभी टायर तक कितना पावर भेजते हैं वही, उसका कुछ गारंटी नहीं है।
लेकिन इंजन काफ़ी पावर प्रोड्यूस करता है। रेस ट्रैक में अगर ले जाना होगा बाइक को, स्किनी टायर्स लगा देना है, स्किनी मतलब पतला व्हील के ऊपर बॉडी पिन हटा देना है, पावर नहीं 17 BHP कम नहीं होता है। और 2 किलोमीटर सबको पीछे छोड़ो, इसका पिकअप बढ़िया ना इस बाइक का, 180 हमेशा से ही ठीक था। ऐसा एक स्वीट स्पॉट इंजन बनाया इन लोग, ऐसा स्वीट मतलब क्या बोलूँ, इंजन का एक स्वीट स्पॉट है 180cc पल्सर बेसिकली, नॉट TVS अपाचे, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, 214 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। गाइस घर पहुंचने वाला हूं, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।